नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। UPTET 2023 नोटिफिकेशन विज्ञापन कब तक होगा जारी, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और कब तक ये परीक्षा होगी संपन्न, तो UPTET 2023 का इंतजार काफ़ी अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती हो, जूनियर स्तर की हो, माध्यमिक स्तर की हो या उच्च स्तर की हो, सभी शिक्षक भर्तियों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। और चाहे वो किसी भी स्टेट से संबंधित हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, UPTET नोटिफिकेशन 2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इससे पहले प्राथमिक स्तर की भर्ती अलग आयोग से होती थी, माध्यमिक स्तर की भर्ती TGT PGT अलग आयोग से होती थी, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती UPPSC के माध्यम से होती थी, और जो उच्च शिक्षक भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की जो भर्तियां हैं, वो अलग आयोग के माध्यम से देखने को मिलती थी। लेकिन अभी हाल ही में जिस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, ये तमाम भर्तियां आपको उसी आयोग से देखने को मिलेगी। उसमें TET की परीक्षा भी शामिल है और TET की परीक्षा आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये परीक्षा कब तक होगी, कब ये नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि घोषणा हो चुकी है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको देखने को मिलेगा। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद सबसे पहले यदि कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो वो UPTET 2023 का नोटिफिकेशन हो सकता है। और इसके अलावा जो सबसे पहली भर्ती आपको देखने को मिलेगी, वो भर्ती हो सकती है UPTGT PGT, क्योंकि उसके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। तो UPTET 2023 का जो नोटिफिकेशन है, वो कब तक जारी हो जाएगा, जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, उसके बाद में एक से डेढ़ या दो महीने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर बात करें कि अब से कितने समय के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा और ये परीक्षा कब तक हो सकती है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी मिलने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 2023 के अंदर ही ये परीक्षा संपन्न होगी, तो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि ये परीक्षा आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिल सकती है। तो अगस्त सितंबर तक ये परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। और हालांकि ऑफिशियल जानकारी आने के बाद ही, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और नए नोटिफिकेशन में ही बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी जो संभावित जो लग रहा है, उससे यह लगता है कि लगभग अगस्त और सितंबर के आसपास ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी अप्रैल चला हुआ है, अभी तक गठन नहीं हुआ है। अगर मई में गठन हो जाता है, तो जून या जुलाई में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद में एक डेढ़ महीने बाद ये परीक्षा हो सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। हालांकि जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी, इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का TET अभी क्लियर नहीं हुआ है, चाहे वो प्राइमरी स्तर के हों या जूनियर स्तर का TET हो, यदि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लग जाइएगा,
क्योंकि अब ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद में बहुत जल्द आपको UPTET का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी होने की संभावना है, क्योंकि UPTET के बाद में ही SuperTET का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो पहले UPTET होगा, उसके बाद में SuperTET होगा। तो ये पूरी संभावना है कि जो UPTET का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा और उसकी परीक्षा भी जल्दी ही संपन्न हो जाएगी, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है और उससे पहले पहले गवर्नमेंट भी ये चाहेगी सभी राज्यों की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो कराई जाए, जिसका लाभ चुनाव में मिल सके। तो ये पूरी संभावना है कि पहले UPTET का ही नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद में SuperTET का नोटिफिकेशन आएगा। और जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है UPTET के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। UPTET के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।